केवल ये महादेव का सम्मान करता है। संसार में कोई बुरा नहीं। देवऋषि नारद के मन में संशय आ गया था, इसलिए उस संशय को मिटाने के लिए शिवजी ने अपने नेत्र खोले थे। संशय को मिटा। कभी कभी हमारे भीतर ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है कि हम दुनिया के दोष देखते हैं। देवऋषि नारद ने भी देखा है। देवऋषि नारद के भीतर भी एक संशय उत्पन्न हो गया था कि भगवान शंकर सुनते नहीं, देखते नहीं, बोलते नहीं और शिव कुछ नहीं करते। ये देवऋषि नारद के भीतर एक छोटा सा भाव। जितने लोग बैठे हैं ऐसा नहीं है कि सब के भीतर यह भाव होगा कि क्या भगवान शंकर, कई लोगों के मन में आ जाता है क्या शिव जी सुनते हैं। जिसने समझ लिया कि शंकर सुनता भी है, शंकर बोलता भी है और शंकर जब पर फाड़ कर देता भी है, तो वो फिर शिव को छोड़कर कहीं दूसरी जगह शिव को छोड़कर नहीं। बोल बम का नारा है, जम के जरा बोल बम का नारा है, फिर वो शंकर को छोड़कर नहीं जाता, वो फिर शिव की स्तुति में लगा रहता। अपने पूरे समय जो भगवान ने ये 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की जो ये योनि दी है, इस मानव के देह को हल्का फुल्का मत लो, इसको समझो कि इस योनि में हमें भगवान की भक्ति कर कर फिर अगली योनियां प्राप्त नहीं करना। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटना है तो शंकर को एक लोटा जल और ये मत सोचना कि बहुत बड़ा शिवालय मिले, बहुत बड़ा शंकर का मंदिर मिले, वहीं जाकर जल चढ़ाएंगे। ना ना, तुम्हारे घर के करीब में, तुम्हारे घर के पास में, तुम्हारे घर के नजदीक में जो शिवालय है वहां जाकर जल चढ़ा, वहां चले जाओ। घर में शंकर जी हैं आपके? किसके किसके घर में? जरा हाथ उठाओ तो जरा। सबके आए? बहुत। हमने एक बार पहले बात कही थी, कई लोग एक प्रश्न करते हैं कि गुरु जी क्या घर में केवल एक ही शंकर जी रखना चाहिए, क्या घर में एक शिवलिंग रखना चाहिए कि दो रखना चाहिए, कितने कितने शिवलिंग हम घर में रख सकते। तब हमने शिव महापुराण के माध्यम से वर्णन किया था, तुम्हारे घर में एक शिवलिंग है, दो शिवलिंग है, तीन शिवलिंग है, चार शिवलिंग है, पांच शिवलिंग है, सब चलेगा। तुम्हारे घर में 10 शिवलिंग है वो भी चलेगा, तुम्हारे घर में 11 शिवलिंग है वो भी चलेगा, तुम्हारे घर में 12 शिवलिंग है वो भी चलेगा। सारे देवी देवताओं की मूर्तियां एक या दो चल सकती है, पर शंकर का शिवलिंग तो अनगिनत तुम्हारे घर में रह सकता है। वो शंकर तुम्हारे घर में जितना है उसमें ये मत सोचना कि मेरे घर में एक है तो मैं एक ही रखूं तो है। हाँ, ये भी जरूरी है कि ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं, जान करके मत बढ़ा। तुम्हारे घर में है, सास के समय का है, तुम कहीं गई थी, लिया थी, रखा है, ठीक, सेवा कर रहे हो, ठीक। अब कई लोग कहते हैं गुरु जी अगर शंकर भगवान का शिवलिंग है तो उसका रोज पूजन जरूरी है। हम कहते हैं अगर मान लो कहीं जाना है, कहीं जाना है और घर में शिवलिंग है तो उस पर एक बेलपत्र चढ़ाकर तुम 10 दिन के लिए भी चले जाओगे ना, तो भी मेरा शंकर कभी तुम्हारे ऊपर रुष्ट नहीं होगा, मेरा शिव जी कभी नहीं कहेगा कि तूने मेरे ऊपर जल नहीं चढ़ाया, वो प्रसन्न की प्रसन्न ही रहे, प्रसन्न की प्रसन्न ही रहे।
जी गुस्सा कर देते हैं, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो भगवान शंकर क्रोध कर देंगे। कई लोग कहते हैं तुमने पशुपति वध ऐसा कर दिया इसलिए शंकर जी ने क्रोध कर दिया। ना ना ना, तुमने क्रोध, शंकर भगवान अपने भक्त पर कभी क्रोध करते ही नहीं है। जैसे घर का दादा अपने पोते पर कभी क्रोध नहीं करता, थोड़ा बहुत अगर चिल्ला भी लेगा ना तो बाद में उसको गोदी में बिठा कर अपनी जेब में से 5 रुपए निकाल के टॉफी का दे ही देता है। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। वो दादा है, वो पिता, वो कभी अपशब्द कहता ही नहीं। मेरी चीजियों, अगर तुमको कोई ऐसी राय देना, तुमको ऐसा कोई समझाए कि ऐसा मत करना, शंकर जी गुस्सा कर जाएंगे, मंदिर में तुम जल चढ़ाने जाओ और कई कई लोग ऐसे मिल जाते, तूने ऐसा कर दिया, शिव जी रुष्ट हो जाएंगे, तो उसके हाथ जोड़ के कहना तू चुप रहे, शंकर मेरे और मैं। क्या किसको रोई है, क्या करता है, हमें क्या करना। कई लोग शंकर भगवान दुष्ट हो जाएंगे, शिव जी दुष्ट हो जाएंगे, शंकर भगवान दुष्ट हो जाएंगे, शंकर भगवान को क्रोध आ जाएगा। ना, मां और बाप अपने बेटे से, अपने बच्चों से कितनी देर गुस्सा रह सकते हैं, बोलो बोलो, जम के बोलो। एक छोटा सा बच्चा है, माता पिता अपने बच्चे से कितनी देर गुस्सा रह सकते हैं, माता पिता अपने बच्चे से कितनी देर तक क्रोध में रह सकते हैं, कितना क्रोध करेंगे, कितना गुस्सा करेंगे। थोड़ी देर का गुस्सा। मेरा देव अधिदेव महादेव तो बाहें फैला कर खड़ा रहता है। जैसे आपको पहले कथा में कहा था, एक पिता के दो पुत्र और दोनों पुत्र, एक पिता के दो पुत्र और बड़ा पुत्र कह रहा है पापा मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। और शंभु शरणे मां घड़ी रे दुख काढ़ो दया करे दर्शन शंभु जी, जो
आपने प्रॉपर्टी का हिस्सा दिया था वो मेरा सारा बर्बाद हो गया। सब गया। कोई बात नहीं, पिताजी ने कहा धन चले गया तू तो आ गया ना, चिंता मत कर, ये धन और जोड़ लेंगे। चिंता मत कर, मेरी बाहें फैली हैं, गले लग जा। पिता ने उसको गले लगा दिया। अपने बेटे को बाप ने गले लगाया और गले लगाकर अपने बेटे से कहा तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। शास्त्र कहता है, लोग कहते हैं कि एक गंदा व्यक्ति भी मंदिर जाता है, एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी मंदिर जाता है, एक कपट करने वाला मंदिर भी जाता है, एक बेईमानी करने वाला व्यक्ति भी मंदिर जाता है, एक छल करने वाला व्यक्ति भी मंदिर जाता है, एक प्रपंच करने वाला व्यक्ति भी मंदिर जाता है। मेरे शंकर भगवान सबको अपने गले से लगाते हैं, किसी को नहीं छोड़ते, सबका कल्याण करते हैं, वो किसी को अनाथ नहीं छोड़ते, क्योंकि उसका नाम विश्वनाथ, वो विश्वनाथ है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। विश्वनाथ भगवान की किसी को नहीं छोड़ता। फिर निवेदन, बेडरूम है, वॉशरूम है, ड्राइंग रूम है, उसी तरह एक जमजम के बोलो जरा रोल। लक्ष्मी जी अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाई थी, ब्रह्माणी अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाई थी, केवल कंट्रोल करने वाली एक पार्वती जी है जो हर कभी क्रोध नहीं करती। जब असुरों का संहार करना होता है तब क्रोध करती है, इसलिए शंकर पार्वती के सामने है और पार्वती शंकर के सामने। मेरे भोलेनाथ जी में एक सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा गुण कौन सा गुण है शंकर भगवान का? सबसे बड़ा गुण शंकर भगवान का, सबसे बड़ा गुण, चलो बोलो जरा, परतवाड़ा वाले बताओ, शंकर भगवान का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? सबसे बड़ा गुण शिव जी का एक सबसे बड़ा गुण कौन सा है? उनका गुण है, शंकर भगवान केवल एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपनी पत्नी की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने बेटे की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान केवल एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने नंदी की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान केवल एक ऐसे देवता हैं जितने अपने पोते शुभ लाभ की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिनने पड़पोते अमोद और प्रमोद की पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपनी लड़की अशोक सुंदरी की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपनी पांच बेटी जया, बोलो विशहरा, शामरी बारी, दौतली, देव, ये पांच बेटियों की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने गले में पड़े हुए सांप की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने मस्तक पर चढ़ी हुई बेलपत्र की भी, बोलते जा जम के पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने तन पर चढ़ी हुई भस्म की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने मस्तक पर रखी हुई
गंगा की भी पूजन करवा दी। शंकर भगवान कैसे देवता है जिन्होंने मस्तक पर रखे हुए चंद्र की भी पूजन करवा दी। और शंकर भगवान कैसे देवता है जो शंकर का नाम हमेशा लेता रहता है, एक लोटा जल चढ़ाते रहता है, दुनिया में देव देव महादेव उसकी भी पूजन करवा देते हैं। आप अगर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि शंकर भगवान तुम्हें नीचा नहीं देख सकते, वो तुम्हें ऊंचा एक पत्र है।
सो अब तो रोना नहीं आ सकता। प्रसन्न पुष्पांजलि संजय भराटे, मुकाम पोस्ट कारला, तहसील तेलहारा, ठीक है ठीक है, जिला आकोला के निवासी हो। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला आती हैं। आ जाओ एक बार, आ जाओ बिल्कुल आ जाओ। पुष्पांजलि संजय बराटे, मुकाम पोस्ट कारला, तहसील तेलहारा, जिला आकोला के निवासी। मैं बाबा के पशुपतिनाथ के व्रत का क्या वर्णन करूं गुरुदेव? मेरी बेटी जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न कर थक गई, तब उसने सोचा कि अब उसकी नौकरी नहीं लगेगी। उसने भी एक प्रण कर लिया कि वो सियोर वाला महाराज कहता है, जो ठानोगे बाबा देगा, तो शादी नहीं करूंगी जब तक मेरी नौकरी नहीं लगेगी। मैं भी अब जिद्दी हूं और सियोर वाला महाराज के कथा पर विश्वास करती हूं, तो मेरी बेटी से मैंने कहा कि तू मंदिर जाना चालू कर और मंदिर में सफाई करना प्रारंभ कर। मेरी बेटी ने मंदिर में जाना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत भी करती, मंदिर की सफाई करती, पूरे मंदिर को पानी से धो देना, सफाई करना, वहां की पत्तियों को विसर्जन करना। मेरी बेटी ने निरंतर यह कार्य करना प्रारंभ करा। और बाबा मैं क्या वर्णन करूं, मेरी बेटी ने एक एग्जाम दिया था जिसका रिजल्ट कई सालों से नहीं आया। बाबा की ऐसी कृपा हो गई, आज मेरी बेटी का सरकारी नौकरी आरोग्य विभाग में लग गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। एक बेलपत्री की चाह है बाबा दीजिए। शिव तत्व और खाली ना जाता कोई, आप भी बोलिए प्रेम से, चिलचिलाती हुई गर्मी है, सूरज की रोशनी इतनी तेज पड़ रही है कि कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं। ये लाखों की संख्या में आप लोग कथा सुनने के लिए आए, मेरा बाबा खाली नहीं भेजेगा, इतना भर कर भेजेगा कि 3 महीने में तुम भी पत्र लिख कर भेजोगे कि बाबा ने हमको छप्पर फाड़ कर लूटा। शिव है वो, खाली नहीं छोड़ता, दिए बिगर नहीं रहता। बस उसका मोदन जब हम करें, उसका स्मरण जब हम करें, उसको जब हम दिल में बिठा लें, तो वो भी हमको इतना हृदय से लगा लेता है कि खाली नहीं छोड़ता। देवऋषि नारद के भीतर के संशय को मिटाने के लिए वो नेत्र खोल लेता है। भक्त के कल्याण करने के लिए वो क्षण भर की देरी नहीं करता, क्षण भर की देरी नहीं। थोड़ा अगर कोई काम बहुत अटका हुआ है, थोड़ा
थोड़ा समय लग सकता है। हमने पहले एक बात कही थी कि फाइल अगर ज्यादा मोटी है ना तो ऑफिसर को भी इसको छुपाने में थोड़ा समय लगता है। फाइल अगर मोटी है तो ऑफिसर को भी इसको छोड़ पाने में समय लगता है, थोड़ा समय लग सकता है। दुख थोड़ा ज्यादा है, काटने में थोड़ा समय लग सकता है, पर अपने विश्वास को डिगने नहीं। बधाई आपके महाराष्ट्र क्या बोलते पशुपति व्रत केला टाकला जीजियां इतनी अच्छी हैं तो भाई भी अच्छा ही होगा।
जितनी मेरी जीजी मुझसे प्रेम करती है उतने मेरे जीजा करते हैं, उतना ही प्रेम करते। कल भी एक पत्र था, तुम चांगला है। कल भी एक पत्र था तो बैठो बहन बैठो, प्रणाम प्रणाम। आज के समय में आप इतना स्नेह करते हैं, कौन किसको पूछता है। आपका स्नेह आपने दिया और मेरी जीजियों ने इतना पूछ लिया, समझ लो अपने भाई की उम्र तो वैसे ही बढ़ गई। स्नेह आप, ये प्रेम, शिव महापुराण की कथा कर रही है। ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया, भगवान विष्णु के पिता कौन। भगवान विष्णु जी से पूछा तुम्हारे पिताजी कौन है, शंकर भगवान का नाम ले दिया। शिव जी तुम्हारे पिता, हाँ। एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, पर्वत से अग्नि का खंभ प्रकट हो गया। खंभ प्रकट हुआ तो उसने शिवलिंग की आकृति ले ली। शिवलिंग की आकृति ली तो उसमें से आकाशवाणी हो गई, ब्रह्मा मैं नारायण का पिता, मैं नारायण। अब ब्रह्मा जी को संशय, कई लोग प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकल करने का प्रयास करते हैं, क्या ऐसा हो सकता है, क्या बेलपत्र चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, क्या शंकर जी को धतूरा चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, क्या शंकर भगवान को बैसाख के महीने में जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, क्या बेलपत्री खाने से रोग की मुक्ति हो सकती है। आप प्रैक्टिकल करते हैं और करना चाहिए, जरूर है। एक पत्र है, शारदा रामलाल मंडले, माया प्रेस, पेंशनपुरा, परतवाड़ा, तहसील अचलपुर, जिला अमरावती। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। शारदा रामलाल मंडले, माया प्रेस, पेंशनपुरा, परतवाड़ा, तहसील अचलपुर, जिला अमरावती। मेरा मोबाइल नंबर है, कहीं बैठ आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्ते। बाबा मैं परतवाड़ा की रहने वाली हूँ, मुझे दो बेटियां और एक बेटा है। मेरे बेटे का नाम चिरंजीवी निर्मल रामलाल मंडले है। बेटा आया है क्या, लिया उसको। मेरे बेटे का नाम चिरंजीवी निर्मल रामलाल मंडले है, उसकी आयु 11 साल है। मेरे बेटे को 1.5 साल का था तब उसकी 11 साल की उम्र तक उसको ऐसी बीमारी ने घेर लिया था कि पूरे सर से लेकर पैर तक उसके पूरे शरीर में फुंसियां पड़ती थी, पक जाता था और पूरा शरीर बेकार हो जाता था, जिसका फोटो मैं लगा रही हूँ। ये पहला फोटो जिसमें उस बच्चे के हाथ पैर पूरी तरह से फुंसी फोड़े और पूरे शरीर की चमड़ी उसकी बेकार हो जाती थी, जिसमें उसके हाथ पैर के निशान आपको फोटो में आप LED पर TV पर देख रहे होंगे। आस्था चैनल पर इस फोटो को आप लोग देख रहे होंगे। मेरे बच्चे के पूरे शरीर में से फुंसी बढ़ती जाती थी और फूटने के बाद पानी निकलता था और वो पानी निकलकर पूरे शरीर में फैल जाता था, जिससे उसका शरीर का चमड़ी बेकार हो जाती थी। हम लोग 11 साल उसके दुख से दुखी थे कि इसका करें क्या। 10-11 साल में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसका हमने इलाज नहीं करवाया। हर जगह से हमने इलाज करवाया, उम्मीद छोड़ दी कि अब ये ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि डॉक्टर ने भी कह दिया ये रोग ठीक नहीं हो सकता। जब बीमारी का नाम तक नहीं मालूम, सब लोग हताश हो गए, तब हमारी आंख में आंसू आ जाते हैं उसकी दर्द देखकर, उसका शरीर देखकर। तब आपने ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करवाया। हमारे पड़ोसी ने हमको कहा कि आज सियोर वाला महाराज पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा रहा है, आप उस पूजन को करना। हमने मिट्टी का शिवलिंग बनाया, TV के सामने बैठकर आपके साथ में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। पूजन करने के बाद वहां से बेलपत्री उठाकर बच्चे को खिलाई और उसके बाद में हम सीहोर पहुंच गए, जहां का रुद्राक्ष भी हमने लिया। उस रुद्राक्ष को पानी में
गलाते, शिव जी को चढ़ाते, बेलपत्र उठा कर लाते, बेटे के हाथ से शंकर जी को जल चढ़वाते। जो बीमारी 11 साल से नहीं गई, बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से 6 महीने में स्वस्थ हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए। शरीर अब बच्चे के शरीर में से अब कोई फुंसी नहीं हो रही, 6 महीने से बेटा ठीक है। अब उसका शरीर की चमड़ी भी अच्छी आना प्रारंभ हो गई। जोरदार ताली बजाकर देखो, उसके शरीर का जो रोग था पूरे शरीर से पानी बहता था, पूरे शरीर से उसके फुंसियां होती थी, पक जाती थी, और पूरा शरीर बेकार हो गया। 6 महीने से बाबा कृपा करी है बाबा ने, अब शरीर ठीक। जो 11 वर्ष से तकलीफ हो गया, सारी समस्या का हल बाबा को जब हम दिल से समर्पित करते हैं तो बाबा सुनता है, सुनता है। क्यों ना सुन, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावाई, बाबा डोर हर तो छड़ी ना बोले, मैं शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर छड़ी जावागी। शिव की शरणागति दुख नहीं दे सकती, सुख ही दे। अभी कथा में कहा भोलेनाथ जी का सबसे बड़ा गुण एक है, बेटे की पूजन करवाई, पत्नी की पूजन करवाई, पोते की पूजन करवाई, बेटियों की पूजन करवाई। शंकर जी का सबसे बड़ा गुण है मेरे महाकाल राजा का, मेरे कुबेरेश्वर महादेव का सबसे बड़ा गुण है, जो शंकर का भजन करता है मेरा भोलेनाथ उसकी भी जगत में पूजन करवा देता है, वो देव अधिदेव महादेव। जोवर को कुबेर बनाता है, सहज नहीं। ये आप लोग इतना इतना लाखों की संख्या में आए हो, पंडाल भर भर के बैठे हुए हो, धूप में बैठे, पेड़ों के नीचे बैठे हुए हो, गाड़ी की छांव में बैठे हुए हो, दुकानों के अंदर बैठे हुए हो, ये तुम्हारा भरोसा, ये तुम्हारा विश्वास खाली नहीं जाएगा। वैशाख महीने की कथा है, तुम्हारा पुण्य खाली नहीं जाएगा। दिल से सुनो, दिल से देगा। शिव कथा कर रहे, शंकर भगवान का अनुमोदन कर रहे, शिव तत्व कर रहा, शिव महापुराण की कथा कर रही है। समझाना बड़ा मुश्किल है, देवाजी ने महादेव का चरित्र कहता है। भगवान शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ, भगवान ब्रह्मदेव आकाश मार्ग में शिवलिंग का छोर देखने के लिए, भगवान नारायण शिवलिंग का चरण देखने के, कुछ नहीं। माता
पिता और गुरु, इनके दिल की गहराई को नापना बहुत कठिन। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो माता पिता के तुलना कर लेता है, हमारी मम्मी बड़े को ज्यादा चाहती है कि छोटे को ज्यादा चाहती है, हमारे पिताजी बड़े को ज्यादा चाहते हैं कि छोटे को ज्यादा चाहते हैं, ये तुलना कर सकते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि माता पिता और गुरु की दिल की गहराई को नापना बहुत कठिन, बहुत कठिन। कहना सरल है पर नापना कठिन। जब किसी व्यक्ति की किडनी, लीवर कुछ भी डैमेज हो जाता है, बेटे का शरीर, किडनी लीवर कोई डैमेज हो गया, उसको किडनी देने वाला कोई दूसरा नहीं मिलता, केवल अगर देती है तो एक माँ या पिता अपनी किडनी और अपना लीवर दान कर देते हैं अपनी औलाद के लिए कि मैं अब कष्ट में जीऊंगी चल जाएगा पर मेरा बेटा कष्ट में नहीं जी। मेरे बेटे को कष्ट नहीं होना चाहिए। एक महिला यहाँ बैठी है जिसकी किडनी पूरी खराब, डॉक्टर ने बता दी। भारती बजरंग परिवाले, मैं अमरावती जिला परतवाड़ा शहर में रहने वाली हूँ, कहीं बैठी है परतवाड़ा की, मैं भारती बजरंग परिवाले कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं भारती बजरंग परिवाले, मैं अमरावती जिला परतवाड़ा शहर में रहती हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहाँ बैठी हैं? हिलाओ ऐसा हाथ दिख जाएगा। अच्छा तीसरी वाली लेडी के साथ हाथ दिख गई हो, माँ हाथ हिला दो। आ जाओ, एक बिल पत्र ले जाना, आ जाओ धीरे धीरे। मैं भारती बजरंग परिवाले परतवाड़ा की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। 15 महीने से मैं बीमार हूँ, मुझे पहली बार में पीलिया हुआ था, फिर उसके बाद मैंने आयुर्वेदिक दवा ली, दवा लेने के बाद पीलिया तो अच्छा हो गया पर फिर मेरी तबीयत खराब हो गई, पेट में फिर दर्द होने लगा, शरीर में सूजन आने लगी। हमने गांव के डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर साहब ने कहा कि अमरावती जाकर दिखाओ। अमरावती में दिखाया तो डॉक्टरों ने बताया कि वर्धा के सावंगी मेघे हॉस्पिटल में तब दिखाया। फिर डॉक्टरों ने जब जांच करी तो जांच में मालूम पड़ा कि मेरी किडनी काम करना बंद कर दी है और आपको लीवर खराब हो चुका है, इस लीवर का बदलना जरूरी है, अब लीवर बदलना जरूरी है, ऐसा कहकर डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख दे दी। तब मैंने पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ करा और एक बेलपत्र शिवजी को चढ़ाकर खाना प्रारंभ करी। 4 महीने के बाद मेरा ऑपरेशन था, लीवर बदलने की बात आ गई थी, लाखों का खर्चा, लगभग डॉक्टर ने 25 से 30 लाख रुपए का खर्चा हमें बताया था। ऑपरेशन कैसे करा थे गुरुदेव, 4 महीने के बाद मैं वापिस डॉक्टर को चेकअप कराने के लिए गई और बाबा का रुद्राक्ष का जल पीकर बेलपत्र खाकर जब मैं वापिस जांच के लिए गई तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारा लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया है, अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। गुरुदेव मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई हूँ, एक बेलपत्र मुझे व्यासपीठ की मिले, शिव तत्व की प्राप्ति। माता पिता के बराबर का कोई दिल की गहराई नहीं देख सकता।
मेरे शंकर भगवान के हृदय की गहराई को जानना बहुत कठिन है, मेरे शिव जी के हृदय की गहराई को जानना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। ब्रह्मा जी नहीं माने, गौ माता ने झूठ बोला, केतकी के फूल ने झूठ बोला, ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, तब शंकर भगवान को क्रोध आया, बेर के अंगूठे का नख तोड़ कर दिया। तब काल भैरव प्रकट होकर उस नख से भगवान ब्रह्मा जी का सिर काट देते हैं, और ब्रह्मा जी का जब सिर कटा तो ब्रह्मदेव का सिर कटने पर कर्मनाशा नदी प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, तब भगवान विष्णु के कहने पर ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को पट वृक्ष की गणना दी। ये जो बड़ का पेड़ होता है, बट वृक्ष होता है, ये ब्रह्मा जी के शीश से निर्मित, स्तुति गाई है भगवान ब्रह्मदेव। प्रार्थना करी ब्रह्मा जी ने, निवेदन करा ब्रह्मदेव ने, सारे देवता मिलकर भगवान शंकर की गुणगान करते हैं। तब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलकर सुंदर सृष्टि निराकरण को आगे बढ़ाते हैं। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। आज द्वितीय दिवस की कथा को यहाँ विराम की।